सूचना क्रांति के इस दौर में हमसे ज़्यादा मालूम हमारे पत्रकार साथियों को होता है, तो बेहतर ये होगा कि आप सवाल पूछें, मैं आपका जवाब दूं। लेकिन आप सवाल कहाँ से पूछेंगे और आपके मन में कौन से सवाल चल रहे हैं, इसका थोड़ा सा अंदेशा है मुझे, थोड़ा अंदाज़ा भी है। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने पत्रकारिता की उस मिसाल को जिंदा रखा है कि कम से कम विपक्ष से तो सवाल करते हैं ना, ताकि इस देश को याद रहे कि पत्रकारों का काम है सवाल पूछना। तो मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, जितना सवाल आप पूछना चाहते हैं पूछिएगा, बारी बारी से पूछिएगा, सारे सवालों का जवाब दूंगा। बस एक सवाल का जवाब जो मुझे लगता है कि आप सबके मन में होगा कि आप कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन की हैं, उस सवाल का जवाब दे करके मैं हमारे जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ मुखातिब होऊंगा, माइक उनको समर्पित करूंगा। मैं कांग्रेस पार्टी इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं कि मुझे ये महसूस होता है कि इस देश में कुछ लोग, वो सिर्फ लोग नहीं हैं, वो एक सोच है, वो इस देश की सत्ता पे ना सिर्फ काबिज हुए हैं, इस देश की चिंतन परंपरा, संस्कृति, इसका मूल्य, इसका इतिहास, इसका वर्तमान और इसका भविष्य खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो सोच है, उस सोच के बारे में आप अपने आप समझ जाएंगे, क्योंकि कहीं मैंने पढ़ा था कि आप अपने दुश्मन का चुनाव कीजिए, अपने विपक्ष का चुनाव कीजिए, दोस्त अपने आप बन जाएंगे। तो हमने ये चुनाव किया है, हम इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे लोकतांत्रिक पार्टी, मैं जोर दे करके बोल रहा हूँ लोकतांत्रिक पार्टी, ताकि आप लोग परिवारवाद पे सवाल जरूर कीजिएगा, लोकतांत्रिक पार्टी में हम इसलिए शामिल होना चाहते हैं कि हमको लगता है, और सिर्फ हमको नहीं लगता है, इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को ये लगने लगा है कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। और ये बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, देश में प्रधानमंत्री अब भी हैं, देश में प्रधानमंत्री इससे पहले भी थे, देश में आगे भी प्रधानमंत्री होते रहेंगे, लेकिन आज जब हम लोग श्री राहुल गांधी जी के उपस्थिति में फॉर्मली कांग्रेस पार्टी का फॉर्म भर रहे थे, तो साथी जिग्नेश ने संविधान की कॉपी दी और हमने उनको भगत सिंह, गांधी और अंबेडकर की तस्वीर प्रस्तुत किया, क्योंकि हमारा ये मानना है कि आज इस देश को भगत सिंह की वीरता की ज़रूरत है, भगत सिंह के साहस की ज़रूरत है, आज इस देश को अंबेडकर की समानता की ज़रूरत है, और आज इस देश को गांधी की एकता की ज़रूरत है। गांधी जब कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ये गांधी की एकता है। जब अंबेडकर कहते हैं कि किसी भी समाज का मूल्यांकन वहाँ महिलाओं की क्या स्थिति है इस बात से होगा, तब वो समानता की वकालत कर रहे होते हैं। मैं नहीं मानता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किसी एक समुदाय के नेता थे। कांग्रेस पार्टी ने, संविधान सभा ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान बनाने की जिम्मेवारी दी, और उस संविधान के प्रियम्बल में यह लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, इसमें समानता, न्याय के मूल्य निहित हैं। और जब भगत सिंह कहते हैं कि आप व्यक्ति को कुचल सकते हैं, विचारों को नहीं, आप बम और पिस्तौल से कभी इनकलाब नहीं ला सकते हैं, उस साहस की ज़रूरत है हमको, मुझे नहीं लगता है, मेरे बहुत सारे राजनीतिक दोस्तों को ये लगता है, मुझे लगता है कि यह देश 47 से पहले वाली स्थिति में चली गई है, लेकिन जिनको लड़ना है उनके पॉलिटिकल इमेजिनेशन में आज भी हर कोई अपना अपना शोरूम बचाने के चक्कर में है। रे भाई, मॉल में आग लग गया है, दुकान बचाओगे?
बस्ती में जब आग लग जाती है ना, बेडरूम की चिंता नहीं करनी चाहिए। आज हम इस मुहाने पे खड़े हैं कि इस देश के भीतर भारतीय होने की जो पहचान है, जिसमें बुद्ध निहित हैं, जिसमें कबीर निहित हैं, जिसमें नानक निहित हैं, जिसमें हर बार हर दौर में सत्ता से सवाल पूछने का साहस होता है, उस भारतीय चिंतन परंपरा को बचाने की ज़रूरत है। इसीलिए हम कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो गांधी की विरासत को लेकर के आगे चलेगा। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो सरोजनी नायडू के विचारों को लेकर के चलेगा। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो अम्बेडकर, नेहरू, अशफाकुल्ला खान, शहीद आजम भगत सिंह और मौलाना अबुल कलाम के आज़ाद के रास्तों पर चलेगा। हम जब भी समानता और बराबरी की बात करते हैं, यह कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, यह भारतीय होने का इतिहास है। और इस भारतीय होने के इतिहास को अपने आप में यदि कोई समेटे हुए है तो देश की सबसे पुरानी पार्टी है। और जो लोग कह रहे हैं विपक्ष कमज़ोर हो गया है, यह सिर्फ विपक्ष के लिए चिंता की बात नहीं है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई शास्त्र, कोई किताब उठा करके देख लीजिए। जब विपक्ष कमज़ोर हो जाता है, सत्ता तानाशाही रुख अख्तियार कर लेती है। इसीलिए देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, मैं कोई गुना गणित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यह बात सीधे तौर पर समझ में आ रही है कि देश के लोकसभा में 545 सीट हैं, 200 लगभग सीट ऐसे हैं जहाँ भाजपा के सामने कांग्रेस के अलावे कोई विकल्प नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी जिम्मेवारी सिर्फ एक पार्टी के लिए है, लेकिन जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उस पार्टी को अगर नहीं बचाया गया, अगर बड़े जहाज को नहीं बचाया गया, छोटी छोटी कश्तियाँ भी नहीं बचेगी। इसीलिए और मैं जब यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरे इतिहास को, मेरे वर्तमान को लोग देख रहे हैं, बहुत सारे सवाल हैं, वो आएंगे, उनका जवाब मैं दूंगा, लेकिन यह जो ऐतिहासिक जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी से मैं अपना मुंह नहीं मोड़ सकता हूँ। मैं जहाँ पैदा हुआ, जिस पार्टी में पला बढ़ा, उसके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उसने मुझे सिखाया, पढ़ाया, लड़ने का जज्बा दिया है, लेकिन उस पार्टी के साथ साथ मैं उन लाखों करोड़ों लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे। अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में जब हम लोगों के ऊपर अनावश्यक आरोप मढ़े जाते हैं तो अपने दोस्तों से लड़ रहे थे, अपने घरों में डिनर टेबल पर लड़ रहे थे, लोगों की दोस्तियां टूट गई हम लोगों के आंदोलन के समर्थन में, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लोगों के डिवोर्स तक हो गए। ये जो देश में एक वैचारिक संघर्ष छिड़ा है, उस वैचारिक संघर्ष को कांग्रेस पार्टी ही नेतृत्व दे सकती है, यह हमारा भरोसा है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे देश के जो लाखों करोड़ों नौजवान आपके माध्यम से सुन रहे हैं, उनसे भी मैं आग्रह कहता हूँ, दीवाल पर बैठकर टुकुर टुकुर मुंह ताकने का वक्त नहीं है, ये अर्जेंसी का टाइम है। और इस अर्जेंसी के टाइम पे दीवाल पे बैठ करके दायां जाएं कि बायां जाएं, ये मत सोचिए। जब आप जंग में होते हैं तो आपके पास जो अवेलेबल चीज़ें होती हैं, आप उससे मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस पार्टी एक बड़ी जहाज है, अगर कांग्रेस पार्टी बचेगी तो हमारा मानना है इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों की आकांक्षाएं बचेंगी, गांधी की मीमांसा बचेगी, भगत सिंह के सपनों का भारत बचेगा और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की समानता का भारत का निर्माण संभव हो पाएगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं इस पार्टी से जुड़ा हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को एक लोकतांत्रिक पार्टी कहती है, आज़ादी के साथ अपनी पूरी मुखरता के साथ सत्ता से सवाल पूछना और लोगों के हक के लिए लड़ना, फिरना, संघर्ष करने में हमारे साथी रहेंगे, हमारे सहयोगी रहेंगे। और ये परिवार संघ परिवार नहीं, वो क्या परिवार जो परिवार छोड़कर परिवार बनाना पड़े, वो परिवार जो आपको परिवार छोड़ने के लिए नहीं कहता है, कहता है कि अपने परिवार में रहिए। अरे महात्मा गांधी
कस्तूरबा गांधी को लेकर के अंग्रेजों से लड़ गए, बताइए इनको अपना घर छोड़ना पड़ा? कोई जरूरी है क्या? घर परिवार के साथ रहना है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी अपने परिवार के साथ रहते थे। आप जितने बड़े लोग हैं उनका इतिहास उठा करके देख लीजिए, सब लोग अपने परिवार के साथ रहते थे। वो परिवार छोड़ करके बनने वाला परिवार नहीं। न्याय, बराबरी और संघर्ष के लिए इस परिवार में मैं शामिल हुआ हूँ। सभी सदस्यों के प्रति, देश के अंदर फैले हुए लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं को अपना आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।